हेलो एवरीवन, आज ही एक वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात किया था 11 एंड 12th के। अभी हम अप्लाइड मैथ्स जो अभी एक साल पहले लास्ट ईयर सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या सिलेबस रिडक्शन है, कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं, क्या हमारे पास टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं जिस तरीके से हमें टर्म वन और टर्म टू को अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो लोग इसको यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, इन केस अगर उन्हें फर्दर कोई और डिस्कशन या कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। राइट, 9319666162, राइट, दिस इज द नंबर वेयर यू कैन कांटेक्ट ओनली ऑन व्हाट्सएप। राइट, आई वोंट बी अवेलेबल ऑन द कॉल, यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड। है यहाँ पे अगर हम देखना शुरू करें, राइट, व्हाट एग्जैक्टली जो सीबीएसई ने आज रिलीज़ किया है, अगर हम यहाँ से कुछ देखने की कोशिश शुरू करें तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि भाई 40 मार्क्स तो आपके रिटन एग्जाम है, एक पेपर होगा 90 मिनट्स का, जो एमसीक्यू होगा, इट हैज़ बीन वेरी क्लियरली मेंशनड, एमसीक्यू टेस्ट होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग जो बुक यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एमएल अग्रवाल। ठीक है, तो ये जो एमएल अग्रवाल की ये जो बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, एमएल अग्रवाल की वाली बुक, तो इसमें अच्छे खासे एमसीक्यूज और केस स्टडीज दे रखे हैं, ये एक अच्छी बात है। राइट, एम एल अग्रवाल जी ने जो है अच्छे खासे केस स्टडीज़ और एम सी क्यूज दे रखे हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे थे, उस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कवर करते चलें और साथ साथ एम सी क्यू और केस स्टडीज़ को ज़रूर से फोकस करें। राइट, इन चैप्टर्स में देखो, मैं चैप्टर भी मैंने कोशिश करा इसको सेग्रीगेट करने का, आई जस्ट डिस्प्ले इट हियर। अगर आप एम एल अग्रवाल से यूज़ करें, बिकॉज एन सी आर टी अभी इसकी आई नहीं है ना, हालांकि जो सिलेबस दे रखा है वेबसाइट पे वो एन सी आर टी बुक के अकॉर्डिंग है, बट मेरे पास अभी एन सी आर टी की बुक नहीं आई। अगर एन सी आर टी होती तो सर्टेनली मैं एन सी आर टी के रेफरेंस में सारी बातें करता, बट क्योंकि वी हैव ओनली एम एल अग्रवाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एल बी रेफरिंग एवरीथिंग इन रेफरेंस टू एम एल अग्रवाल बुक। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, ये अगर आप देखें, ये जो क्वान्टिफिकेशन है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, ये एम एल अग्रवाल से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में कवर्ड है। ठीक है, अभी डिटेल मैं जो सीबीएसई के पीडीएफ है वो भी डिस्कस कर लूंगा, बट फिलहाल आप ये मार्कआउट कर सकते हो, ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है आपके बुक 1 से। ठीक है, सिमिलरली अलजेब्रा दैट इज इन टू दी कैटेगरी ऑफ 4 एंड 5, चैप्टर 4 एंड 5, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट यहाँ पे आपका कवरअप हो रहा है। कैलकुलस में आपके पास टर्म 1 में सिर्फ डिफरेंसिएशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ओके, चैप्टर नंबर 7 इन्होंने टर्म 2 में डाल दिया है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ पे डाल दी, चैप्टर आपके टर्म 2 में डाल दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर नंबर 9 जो आपका बुक 2 का एक पार्ट है, राइट, दैट इंक्लूड्स इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड सीरीज, राइट, इसके भी क्वेश्चंस टर्म 1 में रहेंगे, तो ये अभी हमने टच नहीं किया है, इसको हम कवर करना शुरू करेंगे। ओके, बुक 2 देख लेते हैं, एनसीईआरटी आती तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, नहीं आती कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू विद एमएल अग्रवाल। एमएल अग्रवाल की बुक 2 भी आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, सो विल कवर विद दैट। ओके, अब इसमें क्या है, ये जो तुम्हारे पास, अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा चैप्टर 9 है, ये दोनों बुक 2 के हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके पास बुक 2 से हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास बुक 2 से हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इनफैक्ट पार्ट इसका, सर्टेन पार्ट टर्म 1 में है और सर्टेन पार्ट टर्म 2 में है। कौन कौन से पार्ट टर्म 1 में है वो भी मैं अभी आपको पीडीएफ में डिस्कस करके बताता हूँ। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, राइट, दैट इंक्लूड्स योर इंटरनल एग्जाम, जो अभी तुमने दिया है, तुम बता रहे हो तुम्हारे 37, 38 जो भी हैं आउट ऑफ 40, बड़ी अच्छी बात है। साथ में एक तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और एक वाइवा भी होने की उम्मीद है। ठीक है, एक वाइवा भी होने की उम्मीद है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा हमने सिलेबस के बारे में बात की, टर्म 2 में क्या चीज़ें हैं उसको भी देखते हैं, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ये वीडियो क्रिएट करने का, वो है आखिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से अभी से, आज से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करने जा रहे हैं, क्या टिप्स हैं, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्या टाइमलाइन होना चाहिए, इसकी बात पे ज़्यादा फोकस मेरा होगा अभी। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस। ओके, सो लेट्स सी, टर्म 2 में क्या है बच्चों, टर्म 2 में आपके पास कैलकुलस कॉन्टिन्यूड है, राइट, कैलकुलस के कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ये बुक 1 से आपके पास अगर आप देखें तो 7 और 8 चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल्स। ठीक है, उसके बाद फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, बुक 2 में अवेलेबल है। ये देखो कॉन्टिन्यूड है, जो तुम्हारा कुछ पार्ट तो टर्म 1 में आया है, कुछ पार्ट टर्म 2 में गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 ऑब्सलीट हो गया, डिलीट हो गया। चैप्टर नंबर 13 में क्या था, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, स्टॉक शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर चैप्टर 13 देखें
तो स्टॉक शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये यहाँ से हट चुका है, राइट, इट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ ओपन करके एक बार फिर से तुम्हारे साथ अभी चेक भी कर लूंगा। ठीक है, स्टॉक्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स दैट इज गॉन। तो अगर जो हम अपनी बुक देखें एम एल अग्रवाल की, तो चैप्टर नंबर 13 इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी सिर्फ ईजी वाला पार्ट रह गया है, 6 मार्क्स का है, बहुत ईजी पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 15, राइट, ये आपके 15 चैप्टर में अवेलेबल है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत हाई वेटेज है आपका, चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स था, राइट, सीए फाउंडेशन में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है, वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। और ये अप्लाइड मैथ्स की आप कह सकते हो एक ब्यूटी है कि ये तुम्हें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत बढ़िया से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिससे कि आपको फर्दर आपकी स्टडीज़ में काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14 में से 13 हट चुका है। 12 में आपके पास क्या क्या था बेटा, परपेचुएटी, सिंकिंग फंड्स, बॉन्ड्स एंड ईएमआईज। देन 14 में आपके पास था रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्टॉक शेयर एंड डिबेंचर्स इज गॉन, राइट। तो ये कुछ सिलेबस के बारे में यहाँ हमने बातें की। आइए मैं आपको पीडीएफ से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद हम डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे कि सिलेबस किस तरीके से हमें लेके चलना है। तो देखो ये सब ये टॉपिक आपने कर रखा है, राइट, मॉडुलो, अरिथमेटिक्स, ये सब आपका कहाँ से, ये सब चैप्टर 1 से, राइट, एलिगेशन, मिक्सर, सब ये क्वांटिफिकेशन जो आपका था ना, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सब वहाँ से निकल के आ रहा है, राइट, एंड यू हैव डन इट ऑल। ओके, तो ये तुम्हें प्रॉपरली करना है। देखो इसकी वेटेज भी ठीक ठाक है, 9 मार्क्स की वेटेज है, इसको प्रॉपरली करना है। ठीक है, 9 मार्क्स की वेटेज है, प्रॉपरली करना है। 10 मार्क्स आपके पास मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से हैं और कैलकुलस से सिर्फ 6 मार्क्स है। ठीक है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इसको हालांकि बड़े अच्छे से कर रखा है, कोई प्रोटेंशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हमें टाइम लगाना पड़ेगा, 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, चलो देखते हैं अभी टाइमलाइन वगैरह को भी, हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे, किस समय किस हद तक कितना सिलेबस करना है इसको भी हमें थोड़ा स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, एट अलजेब्रा में आपके पास मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ये सारे ही टॉपिक्स हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सिलेबस से हट गया है। अगर तुम देखो तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो हमने आई थिंक डिटरमिनेंट्स में किया था, दैट इज परहैप्स चैप्टर नंबर 5, राइट, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स है ना, डिटरमिनेंट्स, यस, इट इज देयर इन चैप्टर नंबर 5। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स यहाँ से देखो हटा दिया गया। डिटरमिनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, राइट, अगर तो आप देखें तो ये वो पोर्शन है, लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नोट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, राइट। अच्छा नहीं, तुम्हारे में प्रॉपर्टीज है, ये जो इनका पीसीएम वालों का है, इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हट गई हैं, बट आप में अप्लाइड मैथ्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं, जो हमने प्रॉपर्टी से किया था ना कि प्रॉपर्टी यूज करके विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, राइट, तो वो वाली चीज़ें आप में है, पीसीएम में वो हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो चैप्टर है 4th एंड 5th, वो पूरा ही है, राइट, एंटायरली है, कुछ भी यहाँ से मुझे डिलीटेड नहीं नजर आ रहा है। ऑल राइट, उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो कैलकुलस में हमने पहले ही देख लिया कि डेरिवेटिव्स की सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, ये सब सर फंक्शन हमने देखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द सिलेबस। ओके, हाँ, पूरा जो इंटीग्रेशन है वो वहाँ से हटा दिया गया, राइट, सेकेंड डेरिवेटिव एंड कंसेप्चुलाइज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये सब हमें कहाँ मिल जाएंगी, ये जो कंसेप्चुलाइज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेंगी, केस स्टडीज में मिलेंगी। ठीक है, तो केस स्टडीज को हमें कायदे से देखना पड़ेगा। बुक 2 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, राइट, बुक 2 का जो 9th चैप्टर है, यानी कि सबसे पहला चैप्टर है, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है एम एल अग्रवाल में। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम लोग यूनिट 4 पे पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये सब अभी हमने करना है, मैंने इसको अभी टच भी नहीं किया है, ये सब भी बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है, राइट, इसमें कुछ हद तक स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट इन्वॉल्व होता है। इनिशियली वी स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी एंड देन ग्रेजुअली वी मूव ऑन टू व्हाट स्टैटिस्टिक्स, ये जो वेरिएंस है, राइट, या फिर मीन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब तुम्हारे पास क्या है, ये सब ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, और इसकी अच्छी खासी वेटेज है, राइट, आपने देखा प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है, तो इस पर हमें टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, विल स्पेंड सम टाइम हेयर। इंडेक्स नंबर्स, ये मैंने तुम्हें बताया, ये आपकी ये भी बुक 2 में है, इंडेक्स नंबर्स आपके पास बुक 2 में कहाँ पे, चैप्टर नंबर 11 में है। ठीक है, दिस इज हेयर इन चैप्टर नंबर 11 इन एमएल अग्रवाल बुक। तो इसमें भी सर्टन पार्ट टर्म 1 में है और इसका मैक्सिमम पार्ट टर्म 2 में आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे आ रहा है, टर्म 2 में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे इन सब सिलेबस को देखने के बाद मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरा आज जो मेन रीज़न है इस वीडियो को क्रिएट करने का, वो ये है कि
what are the do's and don'ts, right? हम किन बातों पे अभी ध्यान दें, सिलेबस को कैसे करें? देखो, थोड़ा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है. सी, द कोविड इज नॉट गॉन, इट इज स्टिल देयर, एंड दैट इज द रीज़न द CBSE हैज़ कम अप विद दिस फॉर्मूला ऑफ टर्म वन एंड टर्म टू. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टर्म वन जो प्रपोज्ड है, राइट, ये कब है? दिस इज ईदर इन नवम्बर और इन दिसंबर, ठीक है? और जो आपका टर्म टू प्रपोज्ड है, दिस इज इन मार्च और अप्रैल, ठीक है? दैट इज हाउ द CBSE हैज प्रपोज्ड इट. ओके, इस तरीके से हमारे पास ये प्रपोज मंथ्स हैं, इस टाइम पे होगा. ये MCQ है बच्चों, ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है. ये आपका 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 आवर का है, 90 मिनट्स का है. और ये आपका 2 आवर्स का है, यानी कि 120 मिनट्स का है. अब बात आती है कि अपार्ट फ्रॉम नोइंग द सिलेबस, हम अभी किस तरीके से करें. देखो, सोचने की बात ये है, ऑलमोस्ट सिलेबस को 50-50 डिवाइड किया गया है. 50% सिलेबस बुक वन बुक टू मिला करके आपके पास टर्म वन में है, और 50% सिलेबस टर्म टू में है. लेकिन अगर आप टाइम देखें तो आपके पास टाइम नवंबर दिसंबर, मतलब नवंबर से पहले तो हो ही नहीं रहा ना, बहुत सफिशिएंट टाइम है. एंड अब बात आपके माइंड में ये भी आ सकती है कि सर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा. तो यार, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन कि कोविड की क्या सिचुएशन है. अगर आप स्कूल जा रहे हो तो ऑफलाइन ही होगा, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को ऑफलाइन के लिए ही प्रिपेयर रखिए, ठीक है? ऑनलाइन होने के चांसेस मुझे लग रहा है कि नहीं होने चाहिए. दे विल ट्राई एंड कंडक्टेड इन द स्कूल्स. ओके, लास्ट ईयर ये जो हमारे बोर्ड नहीं हो पाए इस आपके सीनियर्स के, राइट, उसके वजह से ये प्रपोज प्लान आया है. सी, ये जो चीज़ हुई है, इसके दो साइड्स हैं. द गुड साइड इज, अब हमारे पास इकट्ठे सारा सिलेबस नहीं करना है, दैट इज द गुड साइड. सिलेबस आधा आधा है भाई, एक पेपर में आधा कर लो, दूसरे पेपर में आधा कर लो. मार्क्स लाना ज़्यादा ईजी हो गया, पूरा सिलेबस को कवर करके रिवाइज करना, उसको कंक्रीटली अपने माइंड में रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता. अच्छे बच्चों के लिए ईजी था, बट एवरेज स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता. अब छोटे छोटे पार्ट में करना है तो वो ज़्यादा आसान है. इट्स ईजी टू फोकस ऑन वन थिंग, राइट, और यू कैन से द पार्ट थिंग. ओके, तो सिलेबस थोड़ा कंक्रीट हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, और हम उसको ज़्यादा आसानी से टैकल कर सकते हैं. व्हाट इज़ द बैड साइड और व्हाट इज़ द चैलेंजिंग साइड? जो बच्चे सोचते हैं ना कि लास्ट में पढ़ेंगे, उनका वो स्कोप ख़त्म हो गया, अब उनको अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये गलती से भी मत सोचना कि चीटिंग वीटिंग पॉसिबल है, अगर ऑनलाइन होगा तो गूगल से कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है? प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं, दे हैव वेरी स्मार्ट एग्जामिनेशन इंजन्स, यू कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनी अनफेयर मींस, ठीक है? बी वेरी क्लियर कि तुम्हें अपने मेहनत से और अपनी काबिलियत से ही पेपर देना है, ठीक है? तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप मान के चलें 99% तुम्हारा जो ये टेस्ट होगा ये ऑफलाइन ही होगा. ऐसा पॉसिबल है कि एक एग्ज़ाम अभी ऑफलाइन हो जाता है, दूसरा ऑनलाइन हो जाता है, या फिर एक एग्ज़ाम होता है दूसरा नहीं होता है. यू डोंट नो कोविड किस तरीके से बिहेव करने जा रही है, यू डोंट नो, ठीक है? इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बहुत सीरियसली लें, राइट, और आप सारे एग्ज़ाम, चाहे वो इंटरनल हैं या फिर CBSE का टर्म वन है या टर्म टू है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबको आप बहुत सीरियसली लें, राइट? कितनी चीज़ें आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में इंक्लूड की जाएंगी, दिस फॉर्मूला इज नॉट क्लियर टिल नाउ, ठीक है? अगर सिर्फ टर्म वन होता है, टर्म टू नहीं करा पाते तो सिर्फ टर्म वन और इंटरनल के बेसिस पे ही तो मेरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन द एंटायर सिलेबस. अब बात आती है कि हम सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करेंगे. देखो, जब भी इसकी डेट आएगी, टर्म वन की डेट आएगी, मुझे लगता है कम से कम 20-40 डेज का विंडो हमारे पास मिलेगा, मतलब हमारे पास स्कोप होगा, 20-40 डेज का हमारे पास गैप मिलेगा, जिसमें कि हम लोग एक डेट शीट आने से पहले 20-40 दिन का गैप तो देंगे, ठीक है? तो आप ये मान के चलो कि जब तक डेट शीट नहीं आती है तब तक हम अपना सिलेबस अपने पेज से लेके चलेंगे. मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप ऐसा ना सोचें कि आप अभी सिर्फ टर्म वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टर्म टू की प्रिपरेशन टर्म वन के बाद करेंगे. नो, प्लीज डोंट थिंक ऑफ दैट. व्हाई? यू विल हैव ओनली हार्डली 2.5 months टू प्रिपेयर फॉर दिस. मुश्किल से 2.5 महीने होंगे. अरे यार, यहाँ पे तुमने लगाए 8-9 महीने और यहाँ 2.5 महीने, इज दैट जस्टिस टू द सिलेबस? नॉट एट ऑल. तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे पास? हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अभी से लेकर के जब तक हमारी डेट शीट नहीं आती है, या फिर कह लो ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर तक, ठीक है, 15 अक्टूबर तक हम अपना सिलेबस का पेस ऐसा रखेंगे. हाँ ठीक है, वो बात और है कि पहले जो टर्म वन में आने वाला वो सारा कवर कर लेते हैं,
जैसे अभी हम करेंटली कैलकुलस कवर कर रहे हैं, हम कैलकुलस पूरा खत्म करना चाहेंगे, ठीक है? वी वुड लाइक टू फिनिश इट एंटायरली एंड देन विल स्विच टू प्रोबेबिलिटी एंड अदर थिंग्स। लीनियर इनइक्वालिटी वगैरह तो वैसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आसानी से हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को? फिर हम कमर्शियल मैथमेटिक्स और जो भी चीज़ें उसको देखेंगे। मतलब हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि ऑलमोस्ट टर्म वन से पहले हम 80% ऑफ द कंप्लीट सिलेबस, टर्म वन का 100% और उधर का भी, मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक 50% यहाँ पे, 30% यहाँ पे, तो कम से कम 30% हम यहाँ भी ख़त्म कर लें। कब तक? मिड ऑफ अक्टूबर तक। ये हमारी टाइमलाइन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमें इस स्पेस पे अपनी प्रैक्टिस और क्लासेस रखनी है कि हम 80% सिलेबस कब तक ख़त्म कर लें? 15 अक्टूबर तक ख़त्म कर लेनी। उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, ठीक है? हाँ, टर्म वन की जब डेट शीट आएगी उससे 20 दिन या 30 दिन पहले हम सारा फोकस अपने सिलेबस को रिवाइज करने में और प्रैक्टिस करने में लगा देंगे। मतलब लास्ट के 20 डेज आप मान लो मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से जो आप करोगे, हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट एज अ टीचर मैं ये ध्यान दूंगा कि लास्ट के 20-30 डेज में जो टर्म वन का सिलेबस है हम उसको ढंग से एक बार एमसीक्यू और केस स्टडीज को रिवाइज कर रहे हैं। ऑल्दो हम अभी भी करते हुए चल रहे हैं बट वहाँ पे क्विक रिविजन के फॉर्म में उसको हम देखेंगे, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी, आई एम पुटिंग द वीडियो ऑन पॉज।